सबसे पहली बात तो यह है कि जब पार्लियामेंट सेशन में है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी और प्रिविलेजेस के खिलाफ ये काम करते हुए मीडिया को इन्फॉर्म कर रही है और पार्लियामेंट को इन्फॉर्म नहीं कर रही है। पार्लियामेंट जब चल रहा है तो सरकार का काम ही इमीडिएटली आप पार्लियामेंट को इन्फॉर्म करते बजाय इसके कि आपने मीडिया को लीक किया। अब जो मीडिया ने रिपोर्ट किया उसकी बुनियाद पर मैं ये कह सकता हूं कि ये जो प्रपोज अमेंडमेंट है जो मीडिया में जो लिखा गया है वो इस बात को बताता है कि मोदी हुकूमत वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी को छीनना चाहती है और वो इंटरफेयर करना चाहती है वाकिफ के मंशे के खिलाफ कि किस तरह से उस वक्फ की प्रॉपर्टी को चलाया जाए और ये खुद फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ है नंबर वन। दूसरी बात यह है कि बीजेपी शुरू से वक्फ बोर्ड और वक्फ की प्रॉपर्टीज के खिलाफ रही है और इनका एक हिंदुत्व का एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा।